सुबह के 10 बज गए दोस्तों, दिन की शुरुआत हमारी ऑर्डर के साथ हो गई। तो अभी अभी ऑर्डर आ गया है कि एक कुल्लड़ स्पेशल लस्सी और 2 कुल्लड़ स्पेशल मसाला चाय का। तो यहाँ पर मैं कुल्लड़ स्पेशल लस्सी का प्रिपरेशन करने चालू कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, मैं घर से या मेरे क्लाउड किचन चलाता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत और मिडिल क्लास एनिमे में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही लिया है। दही में मैंने बर्फ़ के 2 टुकड़े डाले और शक्कर डाल के इसको अच्छे से विस्कर से विस्कर के ले रहा हूँ। विस्कर के बाद मैं यहाँ पर रवि ले रहा हूँ। रवि से कैसे होगा, ये विस्कर से पहले मैं उसकी गुठलियाँ जो रहेगी दही की गुठलियाँ फेंट लूँगा। उसके बाद मैं अच्छे से रवि से फेंट भी लूँगा दही। तो इससे क्या हो जाएगा, दही की कंसिस्टेंसी हमारी अच्छा हो जाएगी और हमारा लस्सी भी एकदम बढ़िया बन जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मैंने विस्कर के बाद यहाँ पर रवि से अच्छे से फेंटना चालू कर दिए। यहाँ पर हमारी दही देखो कैसे लस्सी में बदल गई दोस्तों। अभी दही का रूपांतर लस्सी में होने जा रहा है दोस्तों। तो अभी लस्सी के बाद हमारा जो सबसे बड़े चाय है, तो यहाँ पर मैंने अलग से चाय बनाना चालू कर दिया दोस्तों। चाय में मैं बनाने के बाद अभी क्या करने वाला दोस्तों, अभी यहाँ पर हमारी लस्सी पूरी तरह से तैयार हो गई। तो लस्सी में अभी यहाँ पर देख रहे हो जो कुल्हड़ बड़ा है, उस कुल्हड़ में लस्सी निकाल के ले रहा हूँ। इसमें पहले मैंने बर्फ़ के 2 टुकड़े डाले और अच्छे से लस्सी इसमें डाल दिए। लस्सी के बाद ऊपर से मैं अभी टूटी फूटी डालने वाला दोस्तों। यहाँ पर मैंने टूटी फूटी डाल दिया। अच्छे से टूटी फूटी डालने के बाद मैं अभी यहाँ इसको पैकिंग करके लेना हूँ। ऊपर से 2 मैजिक पेपर लगाने वाला दोस्तों। मैं ऊपर से 2 मैजिक पेपर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा लस्सी है वो बाहर नहीं आएगा और लस्सी हमारा फुल पैक रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लस्सी अच्छे से पैक कर दिया। उसके बाद मैं अभी चाय पैक करने वाला हूँ। चाय के लिए तो सबसे पहले मैं बाउल लूँगा। बाउल में मैं चाय डाल रहा हूँ। अभी चाय डालने के बाद उसको क्या करूँगा, मैं सिल्वर पेपर में लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय डाल रहा हूँ। चाय में मैं मसाला डालने वाला हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं चाय में बादशाह का चाय मसाला डालने वाला हूँ। इससे चाय का फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। यहाँ पर मैं चाय को अच्छे से सिल्वर फॉइल में भरने जा रहा हूँ। अभी ये फॉइल में भरने के बाद उसके ऊपर भी 2 रबर डालने वाला हूँ। ये अभी हमारा बादशाह का चाय मसाला है कमल, इसको डाल के रबर लगा के अच्छे से मैं उसको मसाले को मिला के लेने वाला हूँ। अभी हमारा मसाला चाय और जो लस्सी है दोनों तय रेडी हो गए। तो इसको हम लोग पैक करके लेते हैं। पैक करने के बाद हम राइडर को भी दे देंगे दोस्तों। चाय के लिए 2 कुल्लड़ डाल के मैं अभी ऑर्डर राइडर को सबमिट करने जा रहा हूँ। राइडर को ऑर्डर दे दिया दोस्तों। आधा घंटा हो गया, ऑर्डर हमारा हो गया। उसके बाद मैं ऑटो साफ करके लेता हूँ। ऑटो साफ करने के बाद मैं क्या करूँगा, रिक्शा पे जाने वाला हूँ, ऑटो रिक्शा पे जाने वाला। मेरा ये फुल टाइम बिजनेस है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ऑटो अच्छे से साफ कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर डॉलर भी देखो, जैसे मैं ऑटो निकलता हूँ डॉलर को सबसे पहला बैठना रहता है। सुबह का सबसे पहला पैसेंजर मेरा डॉलर ही रहता है। डॉलर को खिलाने के बाद मैं रेडी होने जा रहा हूँ। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। 10:54 हो गए, अभी मेरा ऑटो पे जाने का टाइम हो गया। तो सबसे पहला पैसेंजर मैं उसको बोला, चल भाई रिक्शा में बैठ जा। तो यहाँ पर ये रिक्शा में बैठने के लिए तैयार था, लेकिन बोला ये क्या है, मेरे सीट पर क्या रखा है तुमने, क्या समझ रखा है, ऐसा बोल के मुझे उधर से हटाने बोला। ये देखो दोस्तों कैसा बैठता है ना डॉलर, पूरा मुंडी बाहर निकालता है और सबको दिखाता है, सब कुत्ते को भोंक के दिखाता है, देखो मैं रिक्शा से जा रहा हूँ, मैं रिक्शा से जा रहा हूँ। फाइनली डॉलर को बाय बाय करते हुए मैं रिक्शा के लिए निकल चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत रोड खराब हो गया अभी इधर। तो चलो मैं सबसे पहले मेरे स्टैंड पे जाने वाले हो, तो मैं स्टैंड के लिए निकल रहा हूँ। ये देखो हमारे स्टैंड के इधर जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से आगे जैसे जाओगे तो मेरे रिक्शा स्टैंड आ जाएगा। मेरे को यहाँ से पहला भाड़ा मिल गया। मैं पहला भाड़ा मारते मारते मैं अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखो ट्रैफिक हो गया। तो इस रास्ते के बीच में काम चलता था शायद, इसलिए ट्रैफिक हो गया। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके आगे जा रहा हूँ। तो इस पर इस जगह पर टाइम हो गया, मैं इधर एक भाड़ा छोड़ चुका था। तो अभी जल्दी से मेरे को स्टैंड पर जाना पड़ेगा। स्टैंड पर जाने के बाद मैं दूसरा भाड़ा मारूँगा। रिक्शे में घूमने का एक अलग ही मज़ा है दोस्तों। आपको पूरा सिटी एक्सप्लोर करना पड़ता है, लेकिन धूल मिट्टी भी बहुत अंदर आ जाता है। और इसका मतलब 360 आप गाड़ी में, अभी मेरे पास कार है, कार में मैं 360 टर्न नहीं मार सकता, बाइक में नहीं मार सकता, लेकिन रिक्शा में तुम्हें ना 360 एकदम कट टू कट 360, ऐसा बोलते ना वो सर्कल जो काटकोन मिलता था अपना, उसका सर्कल से भी सर्कल एकदम बड़ा हो जाता है इसमें। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये हमारे घर का ही रास्ता है। ज़रा घर का रास्ता अभी खोद खोद के उनको खोदने के बाद रास्ता रिपेयर करने के बाद समझता है कि मैंने पाइपलाइन नहीं डाला, नलका नहीं डाला, गैस का नहीं डाला, गैस के बाद मैंने बिजली का नहीं डाला, कौन सा पाइपलाइन नीचे से डालते, क्या
मालूम, आखिर में तो सब बाहर ही दिखता है। तो नीचे क्या रहता है मुझे नहीं मालूम। यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेरे स्टैंड की ओर, यहाँ से मैं आगे से लेप मार दूंगा तो मेरा स्टैंड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी रास्ता ख़राब है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है। देखो मेरे स्टैंड के इधर जाने का रास्ता बहुत ख़राब है, एकदम ख़राब है दोस्तों। जो सामने दिख रहा है, सामने जो काला गाड़ी लगा है वो मेरा स्टैंड है। तो यहाँ पर मैं स्टैंड लगा में लगा तो इधर क्या रहता है दोस्तों, मेरे घर से एकदम नज़दीक है। घर से नज़दीक होने के कारण मुझे यहाँ पर समझो मम्मी का कॉल आ गया, तो मैं क्लाउड किचन में ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर लाने में भाग सकता हूँ। देखते देखते मेरे को दूसरा भाड़ा लग गया। दूसरा भाड़ा जो है हमारा वो भी स्टेशन का है। तो यहाँ पर मैं स्टेशन जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो स्टेशन जाते जाते कितना अच्छा एकदम नज़ारा है दोस्तों। नज़ारा क्या अच्छा है, सब खाली, जिधर जाओगे उधर भीड़ी भीड़ है। अभी स्कूल छूटने का टाइम हो गया तो ज़्यादा ही भीड़ है। देखो यहाँ पर हमारा स्कूल है, स्कूल में ज़्यादा करके बहुत भीड़ रहती है। अभी मतलब 12 बज गए, तो 12 बजे यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है दोस्तों। तो स्कूल छूटने का टाइम, अभी फिर भी स्कूल छूटने का टाइम नहीं होगा, अभी स्कूल भरने का टाइम हो गया। दोपहर का स्कूल भरता है, उसके बाद सुबह का स्कूल छूट जाता है। 12 बजे स्कूल छूट भी जाता है, 12:20 बजे स्कूल भर भी जाता है। यहाँ पर मैंने स्कूल का भाड़ा छोड़ दिया। स्कूल का भाड़ा छोड़ने के बाद मैं अभी आगे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा और देखूँगा कि मुझे कोई भाड़ा मिलता है कि नहीं। यहाँ पर मुझे एक भाड़ा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने 15 रुपये बोल दिया, तो मैं उधर चढ़ गया। मैं उनको बोला कम से कम 30 रुपये लूँगा, लेकिन नहीं बोले, 15 रुपये में जाएंगे। तो 15 रुपये में आजकल क्या होता है, गैस भी 15 रुपये में नहीं आता अभी। तो ये मोहतरमा हमारे आगे जा रही है। लड़की जब गाड़ी चलाती है तब सावधान रहना चाहिए दोस्तों। पहले उसके गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं था। यहाँ पर ये देखो, बच्चा देखो कैसा उल्टा बैठा है। तो उसको ओवरटेक करते करते बच गया दोस्तों, एकदम मतलब कट मार के एकदम निकला था। लेकिन ये मोहतरमा कुछ आगे जाने को तैयार नहीं है और मेरे को ओवरटेक करने भी नहीं दे रही। तो मैं क्या करता हूँ अभी, क्या कुछ नहीं कर सकते ना, आखिर समझ रहे हो ना, सरकार ही उनका है ना। तो यहाँ पर मैंने कैसे तो ओवरटेक मारते मारते एकदम रिक्शा का यही भी नहीं बेटा, आप किधर भी घुस सकते हो, किधर भी एकदम पटाख से जा रहे। देखो मेरे को यहाँ पर लेप लेना था, उसको मैंने हाथ दबा दिया, वो हो गया। आप देख सकते हो एकदम कट टू कट रिक्शा जाता है, खाली आगे अढ़ाई मीटर भी नहीं, 2 मीटर का खाली ये रहेगा, एक चक्कर रहता है। यहाँ पर मैं यहाँ दूसरा भाड़े के लिए वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर वेट करने के लिए मैं रुकता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड पर गाड़ी लगा दी है। तो अभी देखते देखते मेरे को अभी ये तीसरा भाड़ा भी लगना चालू हो गया। तीसरा भाड़ा भी मेरा स्टेशन का है शायद से। अभी मैं स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ। स्टेशन को जाने के लिए रास्ता ख़राब है। रास्ता भारत में बनाते तो बहुत है, लेकिन उसका जो बोलते हैं रास्ते का मेंटेनेंस नहीं रखते। अभी ये स्टेशन जाने वाला ही रास्ता है दोस्तों। यहाँ से आगे से मैं लेप मारने वाला हूँ। यहाँ पर 2 दुकान है और स्टेशन का रास्ते पर ना रास्ता कम रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन हमारे इधर स्पीड ब्रेकर पटाख से लगा देते, तो हम लोग जल्दी जल्दी से अभी स्टेशन जा रहे हैं। ऐसे मैंने भाड़ा कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखते देखते 1:30 बज गए। 1:30 बजने के बाद अभी मैं घर पे जाने का सोच रहा हूँ। मेरे 300 रुपये के लगभग हो गए। मैंने एक मतलब मेरा स्टेशन का ज़्यादा फेरे लग गया, एक मुझे स्कूल का फेरे लग गया, ऐसे लगते लगते मेरे बीच में से भाड़ा मिल गया। ऐसा करते करते मुझे 300 रुपये हो गया। मेरा 400 का टारगेट रहता है, लेकिन अभी 300 ही हो गया। अभी यहाँ पर 1:30 बज गया, तो अभी क्या होगा, अभी मुझे भाड़ा भी शायद से इतना नहीं मिलेगा। तो मैं अभी घर पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी घर पर जाता हूँ, खाना पीना खा के अभी निकलना पड़ेगा। तो अभी खाना खाने के लिए भी घर पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों दोपहर के 1:50 हो गए। तो जैसे मैं घर पे आ गया तो मम्मी बोली कि हमारे जो बाजू वाली आंटी है वो ज़रा बीमार है, उनको जाके हॉस्पिटल में टिफ़िन दे के आओ। तो मैं टिफ़िन देने के लिए निकल चुका हूँ दोस्तों। टिफ़िन देने के बाद मैं सीधा घर पे आऊँगा और खाना खाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगे। टिफ़िन देते देते मुझे 3 बज गया। 3 बजे अभी मैं टिफ़िन दे के घर पर आ गया। यहाँ पर मैं घर पर आ गया हूँ। तो घर पे आने के बाद मुझे ऑर्डर भी गिर गया दोस्तों। तो ऑर्डर भी अच्छा खासा बड़ा था, टोटल 500-600 का ऑर्डर था ये। तो ऑर्डर में क्या था, 2 ग्रिल वड़ा पाव था, 3 प्लेट भजी था और 1 पाव भाजी था। तो मैंने भजी तीनों के तीनों एक सिल्वर पेपर में पैक करके हमारा जो वड़ा है वड़ा में ग्रिलर के लिए रख दिया। और यहाँ पर एक बड़ा टेंशन होगा दोस्तों, जैसे मैंने वड़ा पाव में डाल दिया वैसे हमारे इधर की लाइट गई, तो ग्रिलर कैसे चलोगा। बोला तब तक के लिए मैं भाजी करके लेता हूँ। तो भाजी के लिए यहाँ मैंने बटाटे डाल दिया, बटाटा को अच्छे से सीख लूँगा। तो कैसा होगा, जो एकदम फ्लेवर आ जाएगा उसको, बटाटा भी एकदम मतलब कच्चा डालेगा तो उतना फ्लेवर नहीं था, लेकिन पका हुआ बटाटा डालेगा अच्छा फ्लेवर है। इसमें मैं ग्रेवी और हमारा जो लाल तीखा मसाला रहता है वो डाल के, पाव भाजी मसाला डाल के, इसको भाजी को अच्छे से
सिक्के ले रहा, तब तक मैंने तवे के ऊपर बटाटा भी सिक्के डाला, तो भाजी भी सिक रही और बटाटा भी सिक रहे। तो यहाँ पर मेरा भाजी सिक्के हो गया, तो उसमें मैंने बटाटा डाल दिया, तीनों का तीनों बटाटा डाल दिया। और वही तवे में मैंने बटर का पाव करना चालू कर दिया, क्योंकि पाव भाजी के बाद पाव भाजी के साथ मैं दो बटर पाव देता हूँ। यहाँ पर मैंने मसाले और ग्रेवी डाल के अच्छे से इसको पका के ले रहा हूँ। एक हमारे जो भाजी ड्राई हो गई, तो इसमें मैंने पानी और ये मसाले डाल के अच्छे से सीख लिया, तो भाजी हमारे यहाँ पर रेडी होने जा रही है। तो पाव भी हमारा रेडी हो गया दोस्तों, तो पाव को मैं अलग से पैक करके लेने वाला। तब तक के लिए हमारी अच्छी बात है कि लाइट आ गई, तो मैं पाव को ग्रिलर में रखे, वड़ा पाव को ग्रिलर में रखे, मेरे पैकेजिंग चालू कर दिया। तो यहाँ पर मैं पाव पैकिंग कर दिया, पाव के बाद मैं पैकिंग करने वाला भाजी। तो भाजी देखो, मैं भाजी पाव दोनों पैकिंग करके, वड़ा पाव पैक करके यहाँ पर हमारे ऑर्डर रेडी हो गए। तो यहाँ पर मैं भाजी पैक करके, और हमारे हाफ भाजी थे, हाफ भाजी में मैंने धनिया और बटर डाल के पैक करने के बाद अभी मैं वड़ा पैक करने जा रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये ग्रिल वड़ा पाव, इसके ऊपर से मैं बटर लगा के अच्छे से पैक करके मैं देने वाला हूँ। तो ये मेरा दोस्त है प्रतीक, इसको ऑर्डर देख के मैं राइडर को ऑर्डर देने जा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, तो काम करते करते 6 बज गए, 6 बजे हमारा पहला पैसेंजर आ गया। 6 इसको मेरे को दोपहर में छोड़ना पड़ता है, शाम को भी छोड़ना पड़ता है, वो उसको छोड़ने में मेरा आधा ज़िंदगी जा रहा है दोस्तों, क्या करूँ बताओ। अब ये रास्ते को तो मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब सुबह जैसे होता है वैसा दिन मेरा चालू होता है, रात कब होता है मुझे ही नहीं समझता दोस्तों। तो अभी मैं शाम के लिए 6 बजे गया, तो मैं अभी शाम के लिए ऑटो पे जाने वाला हूँ। तो शाम को ऑटो में 9, 9:30, 10 बजे तक चलाता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कितना भाड़ा होता है, मेरा तो 400 सुबह, 400 शाम को, 400 का टारगेट रहता है। तो फिर भी देख सकते हैं दोस्तों कितना होता है, क्या होता है क्या मालूम। तो कभी कभी क्या होता है, ऑटो बीच में चलाता हूँ मैं, 7 बजे मुझे बड़ा ऑर्डर आता है, 8 बजे ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर करने में भागना पड़ता है। दोनों तरफ से बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल है। ऑटो इसलिए चलाता हूँ दोस्तों, ऑटो चलाते टाइम मुझे एक क्रिएटिविटी मिलती है, बोलते हैं ना आपका ब्रेन ट्रिगर कर होता है, जैसे कि कभी कभी आप वॉक करते तो आपका ब्रेन ट्रिगर होता है, आप ट्रैवल करते तो आपका ब्रेन ट्रिगर होता है, वैसा मैं जब ऑटो चलाता हूँ ना मेरा ब्रेन ट्रिगर होता है, तब मुझे एक इनोवेटिव आइडिया आ जाती है, इसलिए मेरे को ऑटो चलाना ही पसंद है। और ऑटो का सबसे अच्छी बात है कि आप जब ऑटो चलाते हो आप खुद का ही रहते हो। मेरे पास ओला का टैक्सी भी था, लेकिन ओला का टैक्सी में क्या हो जाता है, कस्टमर आपसे बहुत आशा रखता है कि आप ऐसे ही बिहेव करो, ऐसे ही बिहेव करो, ये अपने से नहीं होने वाला, अपन इंडिपेंडेंट ड्राइवर है, आप इंडिपेंडेंट ही रहेगा। तो ऐसा करते करते अभी मैं ऑटो पे जाए, और इसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों, ऑटो में मेरा दिन भी जाता है अच्छे से, और मेरा काम भी हो जाता है, कुछ अलग करने का ज़रूरत नहीं होता है, और मेरा क्लाउड किचन तो पहले से है। तो शाम से अभी रात हो गई, तो मेरा खाली अभी मुझे 250 रुपये मिल गए, 250 रुपये लेके मैं घर पे जाने वाला। आज जरा मार्केट बहुत ही ठंडा है, मुझे ऑर्डर भी आज बहुत कम आ गए। तो चलो दोस्तों, हर दिन अलग अलग रहता है बिजनेस में, आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना आपका जर्नी कैसे, और क्लाउड किचन के बारे में और कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। रात के 12 बज रहे दोस्तों, और अभी भी मैं डॉलर को लेके घूमने आ गया, अभी भी मेरा दिन ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा दिन चालू हो गया लेकिन अभी भी दिन मेरा ख़त्म नहीं हुआ।